एक बैंगन मैंने ले ली हूँ। बैंगन को लेने के बाद एक चाकू से इस तरह मैं काट लूँगी हर तरफ। काटने के बाद यहाँ पे लहसुन और कच्चा मिर्च जो होता है हरे मिर्च, उसको मैं इस तरह इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद इसको आग में अच्छे से मैं पका लूँगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रालक्स में, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बैंगन का भरता। बैंगन का भरता ये आपको मन का भरता खाने का मन है तो आप इस तरह करके खा सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आप सभी को पसंद है। पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देख बैंगन मेरा रेडी हो चुका है, अंदर मैंने डाल चुका हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालूंगी अंदर और बाहर भी तेल डालूंगी। इसके ऊपर तेल लगने के बैंगन के ऊपर एकदम पूरा लगा लूँगी। लगाने के बाद इसको मैं जला लूँगी। जलाने के बाद एक प्लेट में निकाल दूँगी। प्लेट निकालने के बाद इसको मैं कवर कर लूँगी। कवर कर लेंगे इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो बैंगन का छिलका है आराम से निकल जाएगा। तो ये इस तरह निकालने के बाद मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद उस प्लेट में मैं एक प्याज, बैंगन में प्याज दे दूँगी। प्याज के बाद अब ज़्यादा तीखा चाहिए तो और ज़्यादा हरी मिर्च दे सकते हैं। तो स्वाद हिसाब से नमक जो मसाला है आपको ऐड कर सकते हैं। और सरसों का तेल मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं पाउडर धनिया पाउडर जो भी आपके पास है उसमें डाल दीजिए। एकदम आराम से चोखा बनाइए, एकदम टेस्टी यमी चोखा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद है। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।